सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आपके टॉपर्स की कॉपियां भी हमने अपलोड कर दी हैं, आप उनको देख करके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने किस तरह से सॉल्यूशंस किए हैं, आप उन्हीं तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके हेल्पिंग के लिए पूरा चैनल आपके लिए समर्पित है। और ये है 2018 का पेपर, इसी तरह 2019 और 2020 के पेपर भी डाल दिए गए हैं। 2017 और 16 और 15 के पेपर भी जल्दी आप तक पहुँच जाएंगे। आप बने रहें इस चैनल पर, सारे के सारे पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल HD फुल स्क्रीन मोड में देखिए, फुल पेपर आपको दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए ओमेगा 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 माइनस ओमेगा इक्वल्स टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन इज़ क्या होगा, इसकी इक्वेशन है आपको बतानी है। फिर इंटीग्रेशन एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ टू फोर्सेस ऑफ थ्री यूनिट्स एंड फोर यूनिट्स आर एक्टिंग ऑन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन इट्स रिजल्टेंट फोर्स विल बी क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद में खंड ब स्टार्ट होता है, जिसमें आपको ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो आपके सामने जितने भी ब्लैंक स्पेस हैं इनको पढ़िए। आपके इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में देखिए, और हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में, और आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम, खंड स आ जाता है आपका। खंड स में आपको क्या करना है, अ और ब यानी कि ए और बी जो है आपको इनको मैच करने हैं, इनके बिल्कुल राइट ऑप्शंस आपको मैच करने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं। इसमें आप बी पार्ट में आ गए हैं, और बी पार्ट जो हैं 2 से 7 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो दो दो नंबर के हैं। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है जो आपके सामने इक्वेशन दे रखी है इसको। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अगर वेक्टर ए आई माइनस टू जे प्लस फोर के और बी वेक्टर इक्वल्स टू आई माइनस थ्री के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर इंटू टू ए वेक्टर आपको बताना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्विचिंग सर्किट ऑफ बुलियन फंक्शन एफ इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड यानी कि ये आपको ड्रॉ करना है, यानी कि इसकी जो परिपथ है उसको आपको खींचना है। उसके बाद में व्हाट इज़ मेमोरी, राइट द टाइप्स ऑफ इट। उसके बाद में प्रूव द टोटोलॉजी, तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर इक्वेशन, इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, और जो कोई इक्वेशन दे रखी है आपके सामने आप इस इक्वेशन को देखेंगे, और उसके बाद में वैल्यू फाइंड आउट करना, आपको एंगल फाइंड आउट करनी है लाइन की। नेक्स्ट स पार्ट पे यानी कि सी सेक्शन में चलते हैं, तो 8 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन हैं वो 3-3 नंबर के हैं आपके। तो 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, ए स्पीक्स ट्रूथ 75% केसेस एंड बी इज 80% केसेस, इन वॉट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रैक्टेड ईच अदर इन नैरेटिंग द सेम इंसिडेंट। मतलब वो जब सेम इंसिडेंट यानी कि एक ही तथ्य है जब वो बोलेंगे, तो दोनों की जो प्रतिभासी आपको निकालनी है उसके प्रतिशत निकालनी है। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है, जो आपको ए की वैल्यू दे रखी है, तो आपको 2A inverse इक्वल्स टू 9i-A आपको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, इसके बाद में 10वां क्वेश्चन जो है आपके सामने, जो इक्वेशन है इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में आपको रिसॉल्व करना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है इस इक्वेशन को जो आपको दे रखा है। और 12वां क्वेश्चन की बात करें, तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द वैक्टर्स, यहाँ वैक्टर दे रखे हैं, उन वैक्टर्स के हिसाब से आपको एरिया बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सामने यहाँ पे दे रखी है, dy/dx + ay = e^mx। ठीक है, द जो सेक्शन है डी सेक्शन है, 15 से 19 क्वेश्चन है और 4-4 नंबर के हैं। तो 15वां क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ लेते हैं। 15वां क्वेश्चन में जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, जो दो दो इक्वेशन दे रखी है, एंड द पॉइंट 111। इसका और जो ऑप्शन आया था उसको देख लेते हैं। तो और ऑप्शन में आया था, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्फेयर
और उसका रेडियस वेक्टर दे रखा है 3 के बराबर, और प्लेन का जो इक्वेशन है वो दे रखा है आर वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, इनके कैप दे रखे हैं इक्वल्स टू 5। इसके बाद में 16 क्वेश्चन की बात करें तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इंटरसेक्टिंग इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वाट रेट द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग वैन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इसका जो और ऑप्शन आया था, इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। 17वां क्वेश्चन था, इफ़ y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। इसका और ऑप्शन आया था, इफ़ x इक्वल्स टू a ब्रेकेट में t प्लस साइन t एंड y इक्वल्स टू a ब्रेकेट में 1 माइनस cos t देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम इफ द एंगल बिटवीन फर्स्ट टू फोर्सेस इन 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड इज 120 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेज। इसका और ऑप्शन जो था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेन मूविंग एट 108 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 12 सेकेंड। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी, इसको प्रूव करना था। इसके लिए 19वें क्वेश्चन में और ऑप्शन आया था और इसमें भी आपको प्रूव ही करना था। उसके बाद में आपके पास में ई सेक्शन आ गया जिसमें 20 से लेकर 23 क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी यू सो दैट इट्स रेंज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अलाइंड सो दैट द रेंज इज 4u² / 5g। इसका और ऑप्शन जो आया था उसमें बताया, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर, इफ़ क्यू इज डबल देन द न्यू रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू पी, प्रूव दैट क्यू इज इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं तो इसमें आपको कोफिशियंट ऑफ कोलरेशन आपको निकालना है वाई और एक्स के बीच के। इसके बाद में और ऑप्शन भी आया था इसमें जो है आपका जो डाटा दे रखा है, तो फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ करेक्शन आर बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8 दे रखा है। 2200 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + 3 sin² x। और ऑप्शन आया था इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² / 3/2 dx का आपको वैल्यू निकालनी थी। अब इसके बाद में 23वां क्वेश्चन में हम जब आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके पास टेबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्व लिमिट जो है 0 से 6 है y dx करेक्ट टू 3 decimal places यूजिंग सिम्पसन्स रूल वेयर वैल्यू ऑफ x एंड y आर गिवन बिलो। इसका और ऑप्शन ऐसा आया था, द एरिया ए ऑफ सर्कुलर लोब एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड इज शोन बाई फॉलोइंग टेबल, एवल्यूट द वैल्यू ऑफ वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट है 10 to 150 adx। ठीक है, इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो इसमें आपको ट्रेपेजोइडल रूल जो है अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो एफ पार्ट है 24 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हैं वो 6-6 नंबर के हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे दे रखी है, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका और ऑप्शन आया था, ए प्लेन पासिस थ्रू ए कांस्टेंट पॉइंट ए बी सी एंड कट्स द एक्सिस ए बी सी, कैपिटल ए बी सी है ये, प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्पीयर ओ ए बी सी इज ए बाई एक्स बी बाई वाई सी बाई जेड इक्वल्स टू 2। इसके बाद फाइंड द वैल्यू जो आपको दे रखा है लिमिट 0 to π और x अपॉन 1 + sin x dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और लास्ट क्वेश्चन है, दो वक्रों यानी कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स x² = 8y एंड y² = 8x। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी फुल मदद हो पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।